ड्रायर खोलने बाल का नहीं मिल रहा है हमको। पीछे रखते हो तुम, आए पीछे रखते हो सामान पीछे हम किए हैं पीछे। पीछे हाथ देख के उसके हाथ से नाक पे तुम लेके गए। दूर हो एकदम, पागल हो गए हो तुम क्या? नशा तेरी काम करना चाह रही हो तुम? ना वही बोले ना, वो थेरेपी वो दिया ना अपना पत्नी को, एकदम टन टन आ गई। अब बोलता है ना मेरे दोस्त अब 2 किलोमीटर दूर दिख जाता है भैया, यहाँ है यही असली तुम्हारा शादी ब्याह के बाद औरत का धन होता है, इसी से दूर भाग रही हो तुम। पेट खराब हो गया है, थोड़ा लूज मोशन हो रहा है, तो गोली चाहिए। गाइस आज का प्रैंक बहुत जबरदस्त होने वाला है। मतलब मैं क्या बोलूं, अभी तक जितने भी मैंने कॉमेडी वीडियो बनाए हैं, प्रैंक कॉमेडी वीडियो, उसमें सबसे हट के ये कॉमेडी होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। और सोनल का जो रिएक्शन आने वाला है वो भी बहुत जबरदस्त आने वाला है। ये पहला ऐसा वीडियो है जिसको मैंने 3 से 4 दिन में शूट किया है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके, क्योंकि ताकि सोनल को शक ना हो। और रिएक्शन बहुत गजब है। ये प्रैंक है मोए मोए प्रैंक, जो मोए मोए मीम्स जो भी आप देख रहे हो, मोए मोए का मीम्स चल रहा है, उसी में मैंने बनाया। बहुत जबरदस्त वीडियो है, जाके देखो, वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से हम लोग 100K कंप्लीट करवाओ ताकि हम लोग अच्छा सा मीटअप रख सकें आप लोगों के साथ। थैंक यू, लव यू सो मच। तो गाइस ये डीओ है और डीओ मैं मार रहा हूं, देखो आप। अब ऐसा है कि डीओ मैंने अपने हाथ पे मार लिया, ये हाथ जाएगा मेरे पैंट के अंदर, के अंदर बहुत अंदर नहीं जाएगा, बस वो दिखाने के लिए होगा, आप लोग गलत मत समझना। और जब सोनल वो सीन देखेगी उसका रिएक्शन क्या होगा, बस देखते जाओ, बहुत अच्छा प्रैंक है। मैं तो डर गई, कुछ हुई कुछ हुई ऐसे चिल्लाओगी हार्ट उठ फेल हो जाएगा। ड्रग्स सुरक्षा से स्मैक ले रहे हैं क्या? डर गई तुम? ड्रग्स ही तो ले रहे हो, ले क्या रहे हो तुम? ड्रग्स ही तो ले रहे हो, ले क्या रहे हो तुम? हम धड़कन बढ़ गए ऐसे चिल्ला, लग रहा चिल्लाई कि हम ड्रग्स दे रहे हैं। धड़कन तो मेरा बढ़ कोची, हम क्या कोची कोची की हां सामान खोज रहे हैं, हम सामान खोज रहे हैं। हम यहां ड्रायर खोज रहे, बाल का नहीं मिल रहा है हमको। सामान पीछे रखते हो तुम? हां पीछे रखते हो सामान पीछे। हम क्या किए तुम बताओगे? तुम कुछ किए हो? बताओ ना क्या किए हो? काम किए हैं पीछे। राम रे राम, पीछे हाथ लेके उसके हाथ से नाक भी तुम लेके गए, नाक भी तुम लेके गए। मेरा नशा नशा तेरी अखां विच ए यूर दूर एकदम, पागल हो गए हो तुम क्या? तुम क्या समझ लियो जी, जो बोल रही हो पीछे हाथ करके नाक में लगे, हमको आलिया भट्ट समझ लियो क्या? बेचारी को बदनाम कर दिया है सब, बेचारी को बदनाम कर दिया, तुम हमको बदनाम करना चाह रही हो? तुम ना आलिया ही भट्ट हो, वही काम कर रहे हो। ना ना कोची समझ लियो, वो गड़सुंगवा समझ लियो तुम, कि पीछे हाथ लेके चल के अपने नियम मत समझो हमको। एकदम दूर है, कहाँ कोची कर रहे हैं तुम? कोची कर रहे हैं तुम? कोची कोची हुआ? लगता है दुनिया में कोई आदमी सबर सबर गांड नहीं खोता है हाथ पर। अरे नोचनी लग रहा था, ऐसे तो नोचनी करते हुए आ रहे थे, ऐसे तो नोचनी करते हुए आ रहे थे। छींचा कर रहे हो है? नोचनी करते हुए ऐसे करते हुए फिर नाक में ऐसे खुजली लगा, ऐसे किए तो तुम चिल्लाने लगी हमको घर सुंगवा समझ लियो तुम, पागल अपने समझ समझो। नाक में भी खुजली है तुम्हारी और पीछे भी खुजली है तुम्हारा, हमको ज्यादा बुद्धि सिखा रहे हो तुम। अरे एक समय पे दोनों अंग में खुजली नहीं हो सकता है? बाप रे बाप, सरे हम बदनाम कर देती, बताओ तो हमको घर सुंगवा बना दी। क्या बोला तूने? आए लगा सुंगा सुने थे, हमको घर सुंगवा बना दी, पागल के कहाँ पूछे? देखो तो बच्चा को तो समझ सकते हैं, बच्चा को सब से देखे है, लेकिन बुड्ढा को भी। ओह लगता अपने बचपन में बहुत की हो, इसीलिए बोली बच्चा बच्चा। तुम्हें अभी बोली बच्चा बच्चा, अपना हाथ दूर करो, दूर करो हाथ अपना। इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है मेरे हाथ में, देखो तो तुम, देखो तुम। अरे प्रभु तो मेरा गाल भी खुशबू मारता है, गाल में मेरा फूल झड़ता है, क्या समझी? बदनाम कर ले, कितना खुशबू लग रहा है, खुशबू कैसे है? बोले ना गाड़ में फूल झड़ता है मेरा, पागल के तुम लोग का जैसा है जी, दुनिया के जैसा है। आज भी मारते हैं तुमको स्मेल नहीं करता, आज तक इतना रात भर पाते हैं,
खुशबू है मेरे में सब जगह पूरे बॉडी। हटाओ ना, सुन ये बहुत ज्यादा खुशबू है। मजा आया। हे प्रभु, हे प्रभु। समझी, ये है पर्सनालिटी, इसको कहते हैं पर्सनालिटी। साफ सफाई से रहते हैं तो देखो गांड से भी खुशबू निकलता है। क्या बात कर रहे हैं? पागल बदनाम कर दी, लगा के कुछ महका ना इन महका प्रैंक कर रहे थे, सेंट मारे हुए थे इसमें मोए मोए प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे था। अरे तुम लेकिन हमको कितना बदनाम करती हो जी, अगर सच में नोचनी लगे ऐसे ऐसे नोचनी करे ऐसे करे ना नोच जाए तो तुम तो आलिया भट्ट बना दो आदमी को दिन दहाड़े। तुम वो आलिया भट्ट, तुम रियल आलिया भट्ट हो। और अभी खुशबू कैसे लगा? तुम क्या कुछ काम के हो गए? तुम क्या किया? डीओ मारे वाला देखो, इसलिए ना लगता है कि डीओ जैसे। हम ना चुत्ता भगवा रहे थे, खाली चुत्ता भगवा रहे थे, अंदर नहीं गया था। जम गड्ढा नहीं डाल, जम गड्ढा नहीं डाले थे, ऊपर ऊपर कर रहे थे। समझ जाना तुम, बोले ना। चलो चाय बना के दो, चलो चाय चाय चलो चाय चलो चाय नहीं नहीं हम चाय चलो चाय Later that same evening. La 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 la. ये वाला मंगाई थी नेका जी। कौन सा? ये वाला? हाँ, कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, बड़ी सुंदर लग रहा है। तुम कहाँ से आए? बाथरूम से? पाँ. तुम कहाँ से आए? बाथरूम से? बाथरूम में गए थे। थोड़ा बाथरूम में गए थे और थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्या बोले तुम? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? दिक्कत हो गया जी थोड़ा सा। तुम क्या दिन रात जब देखते हैं ना, 7 बज गया खाना वाना नहीं बनाओगी? बनाएंगे नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं पड़े पता है। अरे बाप रे, बैठ जाए यहाँ पे थोड़ा सा, जाएंगे पैंट पहनेंगे जी, बड़ी कष्ट है। हुआ क्या? वही तो पूछ रहे हैं। अरे क्या होगा, एक के बतिया सारी रतिया। पानी वाले पियो ना जी, पानी पिए। खनवा अभी 7 बज गया खनवा बनाओगे? बस 2 मिनट रुक जाना, बस ये वाला पैरा खत्म कर दो, उसके बाद बनाएंगे। पढ़ो, अच्छा बात है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करने में घर गृहस्थी मत भूल जाओ। तुम हो कि पढ़ाई जो चीज में लटकती हो ना उसी में लटकल रहती हो, लगी के फगी बन के, लगी के फगी बन के। थोड़ा सा पति पे भी ध्यान दो, आज थोड़ा सा पहले आ गया ऑफिस से तो 1 घंटा से तो देख रहे पढ़ी रही हो। बस इतना बचा हुआ है, बस इतना ना है। हम आधा घंटा झाड़ा पे खाना करके लैट्रिन से निकल के पैर हाथ धोकर फ्रेश होकर बाहर टीवी न्यूज भी देख रहे थे पापा के साथ बैठ के। चाय ही चाहिए ना तुमको? अरे चाय भी चाहिए, खाना ना बना लगी तो अच्छा रहेगा थोड़ा। बना लेना, बस रुक जाओ ना 2 मिनट। अजानती हो क्या एक बात? तुम जो बोल रही थी बार बार बोलती हो इतना, देखो क्या इतना थोड़ा कम रोशनी में पढ़ रही हो, आँख तुम्हारा इसीलिए दर्द देता है। हाँ मेरा देखो पेट भी दर्द देता है, आँख दर्द देता है, उसका थेरेपी कैसे करती हो जी? थेरेपी? हाँ थेरेपी। कैसे होगा? हाँ थेरेपी है, उपाय हम बताते हैं थेरेपी कैसे होगा, उपाय बताते। मेरा दोस्तवा है ना, बाप रे बाप, वो अपनी पत्नी को थेरेपी दे दे के थेरेपी, उसका आँख का मोतियाबिंद खत्म कर दिया, उसका मोतियाबिंद हो गया था उसकी पत्नी की आँख में। हाँ बोलता था ना, धुंधरेला दिखता था। हाँ पता है, हम भी कभी कभी पढ़ते हैं ना। हाँ, वैसे ना लगता है ना कि आँख के नीचे कुछ कुछ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो वही बोले ना, वो थेरेपी वो दिया ना अपना पत्नी को, एकदम टन टन आ गई। अब बोलता है ना मेरा दोस्तवा, क्या 2 किलोमीटर दूर दिख जाता है भैया? यहाँ है, अरे क्या हुआ जी? आए ढाके ना, क्या ढाके हम? अरे यही थेरेपी है, 2 मिनट तक लगातार देखोगी सब ठीक हो जाएगा, सब मोतियाबिंद। अरे बिना ऑपरेशन का मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, तुम्हारा धुंधला उंधला सब कज्जल हो जाएगा। देखो क्या बोला तूने, जो बोल रहे तुमको ना कि चुपचाप जाके पैंट पहनो, ठीक है? तुम्हारा तो यही यही ब्रोच क्या बोल रहे हैं? देखो अरे सुनो ना, इतना जो किताब कॉपी तुम पढ़ रही हो ऐसे भाग रही हो, आए शादी के बाद औरत का असली धन यही सब होता है। सुनो ना, यही असली तुम्हारा शादी ब्याह के बाद औरत का धन होता है, इसी से दूर भाग रही हो तुम। हद है, हम हद है, हम हद है, यही धन असली धन है, यही धन असली धन है।
अब बताओ ना इसका, अरे शोध पढ़ाई लिखाई इस पे करो तो कर रही हो कॉपिया की दबा पे। अरे शोध पढ़ाई लिखाई इस पे करो, इसको देखो ठीक हो जाएगा मोतियाबिंद। अच्छा ठीक है ढाक लिए, ढाक लिए, देखो आदम ढाक लिए, देख लो तुम। अरे सुनो, ए सुनो इधर सुनो ना, अरे बाप हद लड़का हो। अच्छा अच्छा सुनो मेरी बात, क्या हम क्यों दिखाएं पता है? आए क्यों दिखाएं? दिखा नहीं तुमको, पतली थी तो दिख जाता, मेरा यही काम है। देखियो कैसा चमड़ा उखाड़ रहा है, नोचनी चोटनी हो गया है। लो पकड़ो ये दवाई, बहुत देर से ला के हम काम से रखे हुए, लगा दो यहाँ पे। अच्छा ना ले ले, लगाओ। आए तुम लगाओ, हमको नोचनी हुआ है, शादीशुदा आदमी है, मेरा ड्यूटी है जी। एक तो ऑफिस में साइन कर कर के काम करके तो लैपटॉप पे उंगली दर्द कर जाता, अब यहाँ भी हम दर्द करवाए तो रात में सोएंगे ना तो थोड़ा तौलिया वौलिया खोल के मल देना, लगा देना मल। हम गवाह लो और अपना खुद लगाओ, समझना ना, हम भी लगाने जा रहे जी। हमको मत दो, तुम देखो पहले कितना खुशबूदार है, सुनो मलहम जो है ना सिर्फ गाड़े चुटड़ के लिए आता है, कच्चा दिन आए दाद में हमको फिर हो गया है, मेरा तो ये जन्मजात प्रॉब्लम है नोचनी चोटनी वाला, मेरा तो ये जन्मजात प्रॉब्लम है नोचनी चोटनी वाला। आए तो इसीलिए पकड़ो, देखो क्रीम लगे हाथ पकड़ो, तुम ही को लगाना ही ऑर्डर है, देखो कहाँ पे हुआ है, देखो पता चल गया। हाँ बस तुम ही को लगाना पड़ेगा, खुद से नहीं लगा सकते हो। नहीं तुम ही को रात में लगाना पड़ेगा, लगाओगी? नहीं। What? चड्ढा समझाओ इसे। नहीं लगा पाएंगे हम। तुम नहीं लगाओगी? नहीं खुद से लगाओ। हम लगाएंगे। खत्म। तुमने नहीं लगाओगी तुम? नहीं हम नहीं लगाएंगे। लो नहीं लगाओ कैसे? लगाओ। अरे अरे अरे। पत्नी नहीं हो गया ना, लग रहा है कि पता नहीं क्या है, पत्नी हर जगह क्रीम लगाए, नोचनी उचनी में हम क्रीम नहीं लगाने वाले हैं। एकदम हद इंसान हो यार, लगता है ना कि पत्नी नहीं हो गई ना तो एक नौकरानी मिल गई फ्री में। नोच रही है तुम्हारे पे, तुम खुद भी तो लगा सकते हो। छी नेक्स्ट डे। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, हम और सोनल, जैसा कि आप देख रहे हो मैं थोड़ा बहुत रेडी हूँ, पास में ही जा रहे हैं क्योंकि कुछ सामान भी लेना, और सोनल का हो गया है हल्का पेट गड़बड़, हल्का गड़बड़ हुआ है लेकिन उसको कर देंगे बहुत बड़ा। जब हम दवा दुकान पे जाएंगे उसके सामने ऐसा सब बात बोलेंगे, सोनल एम्बैरेस हो जाएगी, उसका मोए मोए कर देंगे, उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा, इरिटेट हो जाएगी। बहुत मजेदार प्रैंक होने वाला है, बहुत मजेदार प्रैंक होने वाला, आप लोग देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दवाई लेना है ना जी? एक हाँ, दवाई लेना है भैया। दवाई दे दीजिए, और दवाई क्या देना है आपको? कि थोड़ा सा हो गया है लूज मोशन, पेट खराब हो गया है, थोड़ा लूज मोशन हो रहा है तो गोली चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किनका? किनका? इन्हीं का हुआ है बहुत, मतलब एकदम झरझरिया पे खाना हो रहा है, पतला एकदम। अच्छा बताइए आप, पेट खराब का गोली पेटे खराब से ना मांगेंगे भैया? शर्मा का है रही मेरा कुछ नहीं खराब है, पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हैं? तब बोली मेडिकल शॉप में डॉक्टर उटर सर कुछ छुपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर उटर सर कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बात तो सही है, ठीक ना? ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ छुपाना चाहिए भैया? छुपाना नहीं चाहिए। तो अब देखिए गाइस, देखिए शर्मा आ गया, अब चलिए इसको मना के हम फिर वापस आ। प्यारी समझ गई। गाइस देखिए सोनल एम्बैरेस होके चल गई। अच्छा भैया पेट खराब होगा तो नहीं बोलेंगे? एकदम बोलेंगे। तब तो देखिए चल के हम जा रहे हैं उसको मनाने। सोनल इधर आओ। हां मेडिकल शॉप में तुम बोली ना पेट खराब है तुम्हारा, चिल्ला चिल्ला के क्या एकदम सबको बता दोगे तुम? ठीक है भैया, पेट नहीं खराब है, अब इसको कुछ होगा, पानी नहीं चढ़ेगा हम जिम्मेदार नहीं है, पानी नहीं चढ़ेगा हम जिम्मेदार नहीं है। क्या हुआ जी, क्या क्या कहा है, मुंह फुला लेते हो छोटा छोटा बात पे? हम मुंह फुला लिए हैं। हाँ तो क्या हुआ है? आप तुम बता देना, तुम जो वहाँ पे जो नौटंकी कर रहे थे दवाई दुकान में, मेरे बारे में क्या कोई सोचेगा वहाँ पे? क्या सोचेगा वहाँ पे, दवाई दुकान में अगर दिए हैं तो? मेडिकल शॉप में तुम एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे इसका पेट खराब हो गया, इसका पेट खराब हो गया, सब हमें को घूर रहा था एकदम, सब देख रहा था। आदमी का अगर पेट भी खराब होता है तो धीरे से बोलता है, धीरे से गोली मांगता है। और जब चालू हो जाएगा, झरझरी चालू हो जाएगा, पानी उड़ी चढ़ने लगेगा, तब किसको बोलेगा? तब तो पूरा दुनिया पूरा मोहल्ला देखेगा, टंगा के एम्बुलेंस पे जा रही है। ये बोलते थे कि बहुत ज्यादा पेट खराब है, बोले तो पतला पे, हम लोग वही बोलते हैं, पतला पे खाना झरझरा रहा है।
डॉक्टर उक्टर सर नहीं रोग बीमारी वही तो बोले भैया मेडिकल वाले की नहीं छुपाना चाहिए। आज लजाने वाली क्या बात है, तुम्हारा गाड़ गोड़ नहीं चालू होगा क्या? खाली हम ही लोग क्या? अरे तुम क्या स्पेशल हो क्या, तुमको पतला पैखाना नहीं हो सकता है? शर्मा रही है। A few moments later, मुंह इधर लाओ, प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक प्रैंक। अरे आज the next day, hey guys, आज तीसरा सीन होने वाला है, तीसरा या चौथा सीन होगा मोए मोए का। और आज का सीन मैं दूसरा दिन ये प्रैंक शूट कर रहा हूँ, और ये प्रैंक बहुत रिस्की है क्योंकि अभी मैं छत पे धूप सेकने आया हूँ। जस्ट ऑफिस से आधे घंटे पहले आया था मैं, धूप सेकने आ गया छत पे। सोनल को बुलाओ पानी लेके छत पे ही, तुम भी आ जाना क्योंकि वो अभी काम कर रही थी, वो आएगी। सीन बहुत अच्छा मैं सोचा हुआ हूँ, ठीक ना? और ये एकदम सीक्रेट सीन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। जहाँ कुछ ऐसा हुआ, बस आप देखिएगा सोनल का मैं कैसे मोए मोए करता हूँ, मतलब कि एकदम उसका मुंह बना देता हूँ, एम्बैरेस कर देता हूँ। बहुत खतरनाक सीन है, पूरा देखना। चलो आ गई। दो यार पानी, प्यास लगा हुआ। आजकल तो कब दिन होता है कब रात हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी धूप है, अच्छा धूप आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ अभी इसीलिए तो हम आ गए। एक तो साला समय हमको नहीं मिलता, जानती हो, सुबह से ऑफिस में रहते हैं, शाम में आते आते धूप ढल जाता है। आज थोड़ा पहले आ गए, सोचे कि चलो शाम में मार्केट भी जाना है, और पहले आ गए कि थोड़ा सा धूप कहीं जाए। तुम तो पूरा लेती होगी जी? हाँ टाइम मिलता है तो ले लेते हैं, इसीलिए तो धूप ले लेकर लाल हो गई हो। क्या करी वैसे, क्या कर रही हो ऐसे? कुछ नहीं, देख रहे क्या, बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे क्या लगा हुआ है तुम्हारा? इधर आओ, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। कहाँ कुछ लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है। अब तो चस्का लग गया। क्या की? क्या? नहीं नहीं मतलब प्यार क्या किया, अभी अभी प्यार का समय है। हम अभी धूप सेक रहे हैं, ऑफिस से आए हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रही हो छत पे? और उधर मिस्त्री काम कर रहा है, उधर आंटी लोग टहल रही हैं, दिन है, दोपहर है, लास्ट शर्म है कि बेच दी हो सब? कहाँ से उठ के आई हो, गांव से उठ के आई हो ना जी? हैं, शहर का कल्चर नहीं पता है कि हस्बैंड बैठा हुआ है और पत्नी को इतना छूट कब से मिलने लगा? तुम जो लेने लेने आते हो हमको, तो हम लेने आते हैं कि हम छत पर घूमते दौड़ते लेते हैं? आके सीधे चुम्मा ले रही हो, मतलब सेंस नाम का चीज है तुमको? सेंस नाम का चीज है, छत पे चुम्मा ले रही है? होठवा को थोड़ा काबू में रखो, अपना ठोड़वा को, इसका ठोड़वा ना लटपटाते रहता है चुम्मा, ऐसा क्या कर रही तुम दिन दहाड़े चुम्मा ले रही हो? संस्कार क्या बोलेगा, कोई देखे तो बोलेगा ना कैसी बेकहल लड़की है, संस्कार नाम का चीज नहीं है। अगर कोई देख लिया होगा क्या बोलेगा कि छठवा तो चुम्मा चाटी कर रहा है, दोनों मौगी मर्दन वहां मिलके पागल कहीं की। तुम्हारे साथ बैठने में अब डर लगता है कि कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगी तुम। हम धूप सेकने आए थे तो और बात करते, गाल पे चुम्मा क्या दे रही हो? लगता है ना कि ऐसा क्या जो काम हम कर दिए, एकदम अजीब जैसे एकदम बिहेव कर रहे हो। एक तो मुंह भी चला रही हो, ऐसे मजाक मत क्या कर यार, इतना जो बोल रही हो पटर पटर, एक तो रात भर तो कंबल के अंदर परेशान करती हूँ, उससे भी जी नहीं भरता तो अब छतवा परेशान करने आई? अरे आप तो बक दो, तुम बकवास कर रहे हो, ये सबके सामने एकदम शर्म नहीं आ रहा है? हट, अब आना ना तुम, तब बताएंगे। तुम्हारे से इतना दिन में हुआ है, तीन दिन में तुम्हारे साथ किए ना हम, तीन दिन तुम्हारे साथ जो भी हम हरकत किए तीन दिन में शूट किए हैं, सब प्रैंक था, छोटा छोटा मोए मोए प्रैंक, मोए 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 मोए। अरे 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 चीटिंग करता है तू। गाइस ये वीडियो शूट करने में हमको दो से तीन दिन लगा, पार्ट बाय पार्ट करके इसका मजाक उड़ाए ना तो ये समझ जाती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए मेडिकल शॉप में इसको झरझरी बोल दिए। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।